खबर गोंडा जिले से रिश्ते को तार तार और शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें मौसेरे भाई ने अपनी बहन को नशीला पदार्थ खिलाकर किसी अनजान व्यक्ति के हाथों बेच दिया। 6 महीने लगातार अनजान व्यक्ति से प्रताड़ना सहने के बाद पीड़िता ने मौके पर पहुंचकर भाई को फ़ोन किया और तब जाकर उस दरिंदे के चंगुल से छूट पाई। यूपी के गोंडा से सामने आई खरीद फरोख के इस मामले में पीड़ित को उसके मौसेरे भाई ने ही उस समय नशीला पदार्थ चाय में मिलाकर खिलाया जब वो अपने मायके से अपने 3 माह के मासूम के संग ससुराल जा रही थी, जिसके बाद पीड़िता के मौसेरे भाई ने किसी अनजान दरिंदे के हाथों बेच दिया। 6 महीने उस अनजान दरिंदे ने इस पीड़िता को इसके 3 माह के मासूम के साथ किसी अनजान जगह पर एक कमरे में बंद रखा और इससे लगातार दरिंदगी करता रहा। अपने परिजनों के साथ अपनी पीड़ा एसपी को बताने एसपी ऑफिस पहुंची पीड़िता ने जो बताया उससे तो सिद्ध कर दिया कि रुपयों के लिए इंसान किसी भी हद को पार कर सकता है। तभी तो एक कमरे में मौसेरे भाई ने रिश्ते की सारी मर्यादाओं को तोड़कर अपनी मौसेरी बहन का ही सौदा कर दिया। एसपी ऑफिस पहुंची पीड़िता ने अपने साथ हुई सौदेबाजी व दरिंदगी के बारे में बताते हुए कहा कि अन्नू ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर हमको बेहोश कर दिया, फिर किसी दूसरे के हाथ बेच दिया और उसने मुझे एक कमरे में 6 महीने तक बंद रखा। मेरे साथ लगातार बलात्कार करता रहा। मैं कोर्ट मैरिज के बहाने गोंडा लेकर आई, उसको जहाँ से मैंने मौका पाकर अपने भाई को फ़ोन किया। मेरा भाई मुझे लेकर घर आया और अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। फिलहाल इस पूरे मामले में पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर का संज्ञान लेते हुए एसपी ने आदेश पर थाना खरगपुर पुलिस में सख्ती में आ गई है। हम बलरामपुर से आ रहे थे, अपने मायके से आ रहे थे, फिर रास्ते में अन्नू ने मिला, पहचानी के था, उसने कहा कि चाय पी लो, हमने कहा नहीं, फिर उसने कहा पी लो, फिर हमने पी लिया, उसमें नशीली पदार्थ मिलाकर हमको पिला दिया। हमको पता नहीं चला कि हमको कहाँ लेके गया कहाँ नहीं लेके गया, फिर उसने लेके गया, उसने भी बलात्कार किया और करके फिर दूसरे के हाथ में दे दिया। उसके साथ में 6 महीना रही जिसके हाथ में दे दिया। मैं दरवाज़ा खटखटाती थी, पीटती थी, लेकिन कोई वहाँ सुनने वाला नहीं था। उसने भी रेप किया जिसके साथ मैं उसके साथ 6 महीना रही। तो आप वहाँ से कैसे निकली? वहाँ से निकली, उसने कहा कोर्ट मैरिज करवाने के लिए, इसलिए हमने उसको अपने जाल में फंसा कर तब यहाँ पहुँची लेके आई। फिर उससे हमने कहा कि सिम निकलवा दो, फिर उसने सिम निकलवाया, मैं नंबर अपने भाई का जानती थी, नंबर से फ़ोन किया अपने भाई के पास, फिर उसने आया हमको लेके गया। फिर क्या किया आपने, क्या चाहते हो, कहाँ आई हो अभी? हम थाने पर FIR भी किए लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ, पैसा वैसा दे के छुड़वा दिया। अब कहाँ आई एप्लीकेशन लेके? पुलिस ऑफिस। क्या चाहते हो? न्याय चाहते हैं। युक्ति द्वारा ये जो है सूचना दी गई है कि उसके साथ एक ज्ञात और एक अज्ञात दो व्यक्तियों द्वारा कहीं अज्ञात स्थान पर ले जाके उसके साथ दुराचार की घटना हुई है। इस सूचना को अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है और पीड़िता की चिकित्सा परीक्षण कराया गया है और यह अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें शीघ्र अभियुक्तों को गिरफ्तार करके घटना का अनावरण किया जाएगा और मौके पर सभी अधिकारी